हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मनीष वलीचा और आपका स्वागत है एक और महामूवी एक्सपीरियंस में। हमारी आज की महामूवी है 2005 की अवार्ड विनिंग और क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म मैंने गांधी को नहीं मारा। हम आपके साथ देखने के लिए प्लीज़ वेलकम इस फिल्म के लीड एक्टर, प्रोड्यूसर एंड वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड टैलेंट्स इन द कंट्री, अनुपम खेर। मिस्टर खेर, वेलकम टू महामूवी। थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन। थैंक यू। आपने कहा है दैट मैंने गांधी को नहीं मारा हैज रीजुविनेटेड यू बोथ एज एन एक्टर एंड अ ह्यूमन बीइंग। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस फिल्म की शुरुआत कैसे हुई? इस फिल्म की शुरुआत आज से 2 साल पहले हुई थी, जब जानू बरवा साहब, जिनकी मैंने फिल्में देखी थी मगर मैं उनको पर्सनली नहीं जानता था, और वो मुझे ऑडियंस थिएटर में मिलने आए थे और उन्होंने कहा कि मैंने एक स्क्रिप्ट लिखा है और आपको मन में रख के एज ए बतौर एक्टर लिखा है और मैं आपको चाहता हूँ कि वो फिल्म करें। NFDC इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही है। तो उन्होंने फिर मुझे बाउंड स्क्रिप्ट दिया और मुझे लगा कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक ऐसा स्क्रिप्ट पढ़ने को मिला जिसमें बहुत बात थी। 3-4 महीने बाद पता लगा कि NFDC जो है वो उनके पास इतना पैसा नहीं है और वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो फिल्म वेंट बैक इनटू ए शेल। मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का। मैंने कहा अगर ऐसी फिल्म में ऐसा स्क्रिप्ट नहीं बनेगा तो ये बहुत ही शर्म की बात है अच्छे सिनेमा के लिए। फिर मैंने यश चोपड़ा जी को अप्रोच किया, आदित्य चोपड़ा जी को अप्रोच किया। मैंने कहा ये मेरे पास स्क्रिप्ट है, इफ़ आई कैन गेट your backing I would like to produce it, aur unhone kaha we will back it and that's how we started. Let's talk about the role, kyunki obviously aapne kaha it's one of the best scripts you read in 10 years. Obviously Professor Uttam Chaudhary ka role struck a chord with you somewhere. I was hungry for a film which could give me a role where I could surpass Saransh, aur wo isme baat thi. Uttam Chaudhary ka jo character hai wo ek aise aadmi ka hai jiski yaadasht जा रही है। अब याददाश्त जाने का एक खास किस्म की टिपिकल एक्टिंग करना बड़ा आसान है कि हाँ क्या समथिंग लाइक दैट, वी कैन डू दैट, बट आई वांटेड टू डू दिस फिल्म कम्प्लीटली बिलीविंग इन इट, और इसकी शुरुआत मैं बिल्कुल नए सिरे से करना चाहता था। तो क्या होमवर्क किया आपने इस कैरेक्टर के लिए? पहले तो मैं बहुत सारे साइकेट्रिस्ट को मिला, उनके थ्रू मैं बहुत सारे अल्जाइमर्स के पेशेंट्स को मिला और मैंने देखा कि इनमें कोई ड्रामेटिक बात नहीं है। इसी आप फिल्मों में कैंसर पेशेंट करें या TB का मरीज करें या एड्स पेशेंट करें या पार्किंसन का कोई बात करें तो उसके सबके एक फिज़िकल आस्पेक्ट्स हैं, मेमोरी लॉस का कोई आस्पेक्ट नहीं है एज ए फिज़िकल आस्पेक्ट। सो देन आई स्टार्टेड गोइंग फॉर अ वॉक ऑन द बीच एवरी डे, आई हैड टू गो फॉर अ वॉक एंड देन आई सेड ओके नाउ लेट मी प्रैक्टिस दैट सपोज आई लूज़ माई मेमोरी फॉर सम टाइम, I think I could not sustain that for more than 3 seconds. मुझे एकदम क्लॉस्ट्रोफोबिक लगता था, घबराहट होती थी, I wanted to throw up because it was so frightening and I could never go beyond 3 seconds in the beginning. Then that level came to 5 seconds, 15 seconds, but beyond 20 seconds I never could go. But in those 20 seconds I understood what it is to not know who you are. उर्मिला मतोंडकर के बारे में बात करते हैं, उनकी कास्टिंग कैसे हुई? इट वॉज बेसिकली आदित्य चोपड़ाज आइडिया, नॉट दैट आई डिड नॉट वॉन्ट उर्मिला, आई डिड नॉट थिंक दैट एज ए प्रोड्यूसर आई कुड अफोर्ड हर। आदित्य चोपड़ा का पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये नोन फेसिस के फादर एंड डॉटर की कहानी होनी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, इट हैज़ टू बी अ वेरी फाइन एक्ट्रेस and I had worked with Urmila in number of films and then I had also worked with her as a director in Om Jai Jagdish. So I think she was leaving for some movie out of Bombay and I met her somewhere in some function and I said, I have a brilliant script for you, just read it and let me know what you think of it. Unka 7-8 din baad mujhe phone aaya ki film to aapki hai magar beti ka role bhi bahut acha hai. It was very very gracious of her because she did the film in 1/3 of her price. Film ke climax ke bare mein baat karte hain, very powerful climax. Isse shoot karna kaisa tha? The whole climax was shot as the climax is written. That last speech, I again wanted to do it in one take, in one shot. So we put 2 cameras. By the time I think everybody was relaxed and then everybody used to make fun of me because I wanted to look thinner in that, because I was unknowingly or knowingly or consciously or subconsciously wanting to also give the feel of being
somewhere Gandhi ji, close to Gandhi ji persona. So in my close ups I used to just try and take my cheeks in. So my cameraman said that it's looking very obvious, just leave it out, I will do the lighting, etc. And also the idea of everybody standing after the speech and when he goes out of the courtroom came on the spot, because once we finished this thing and once he was leaving, I said it will look nice if everybody gets up. So I think it was a great experience working in the film. ये तो फिल्म का क्लाइमैक्स है, लेकिन फिलहाल वक्त है आज की महामूवी देखने का अपने दर्शकों के साथ. तो इससे पहले कि हम फिल्म देखें, क्या आप दर्शकों को हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती कि दो तीन लाइन सुना सकते? पहले बताना था, मैं याद करके आता. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती. नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है. मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना खरता है. आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती. नीरा से मो अनुपम खेर स्टिल विद अस. फिल्म के बारे में बहुत सारी दिलचस्प बातें और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त है आज की महामूवी देखने का. टॉक अबाउट द लुक ऑफ योर कैरेक्टर, क्योंकि यू नो यू शेव्ड योर मुस्टैश, बाल थोड़े से बढ़ाए, गांधी जी के टाइप के चश्मे भी आपके पास थे. नो, फॉर दैट आई हैड टू लूज 20 मोर किलोस टू लुक लाइक गांधी जी. बट यस, चश्मे का आइडिया जो था वो मेरा था कि स्पेशली द क्लाइमैक्स में ही शुड समहाउ लुक लाइक हिम. बाल बढ़ाने का थोड़ा सा मुझे लगा कि बाल बढ़ाने के बाद जब वो ऐसे थोड़े से रखेंगे तो इट विल गिव इट अ बिजार लुक. और मूछ मैं इसलिए मुंडाना चाहता था बिकॉज मैंने आज तक सिवाय एक फिल्म थी दुश्मनी शेखर कपूर की, उसके अलावा और किसी फिल्म में मूछ नहीं. और 312 मूवीज. यस, वाज इट 320? नो, ऑलमोस्ट 318. सो दैट इज अ काइंड ऑफ डिसीजन आई टुक एंड आई सेड लेट मी शेव ऑफ माय मुस्टाश. It's not a great sacrifice or great this thing, but it suddenly gave a different perspective to my face. आपके character का transition होता है जब आप गांधी जी के newspaper cutting पे ashtray देखते हो, that outburst. वो scene shoot करना कैसा था? We requested Janu Barua, can we do this whole scene in one shot, in one, as a one whole outburst, and then you can do the cuttings to close up or mid shots. But I want to see the graph of the film, and we did not tell the co-actors that this will be my range of shouting. हमने जो rehearsal भी की बड़ी चुपचाप की, but जब हमने actual take किया तो हमने मेरा जो level of screaming था और shouting था और outburst था वो अब at least 500 times bigger था. So everybody got a little jolted out of that. So that set the basis of that scene. उर्मिला और आपके बीच में जो relationship है वो बहुत ही खूबसूरती के साथ दिखाया गया है फिल्म में. Do you remember any such scene which you really enjoyed doing? बहुत ही खूबसूरत scene है जिसमें वो पिछली रात को मैंने उसके घर उसके would be in-laws के सामने बहुत हंगामा खड़ा कर दिया होता है, और next day मुझे उसका birthday याद रहता है. And पहले वो जो scene था, फिर ऊपर जाके वो बोलती है और मैं सिर्फ सिर हिलाता रहता हूँ. वो पहले scene जो था उसमें बहुत डायलॉग्स थे मेरे और उसके. देन वी डिस्कवर्ड दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट सीन, मी बीइंग कम्प्लीटली साइलेंट एंड मी नॉट नोइंग व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट. सो शी यूज्ड टू गेट टीयर्स इन हर आईज एंड शी यूज्ड टू आई थिंक एवरी सीन जो हमने साथ में किए हैं आई थिंक आर एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ. फिल्म में एक सीन है जब आप बहुत ही यू नो लिंगरिंग लास्टिंग इमेज है वो रिटन स्क्रिप्ट में बहुत बोलता है कि मैंने नहीं मारा, मैंने ये नहीं किया, बहुत कुछ करता है. जब हम शूट कर रहे थे तो मुझे लग रहा था कि अगर हम जैसी ये लिखी गई है उसको वैसी शूट करेंगे तो 15 मिनट बाद लोग कहेंगे बस करो, ये तो दिस मैन इज़ टू मच. फिर वो बोलना चाहिए कि नहीं मैंने गांधी को नहीं मारा, उसका भी सस्पेंस था. धीरे धीरे खाना बंद करता है, फिर वो प्लेट रखना बाहर शुरू कर देता है, फिर वो कमरे से बाहर नहीं आता है, और सडनली एक दिन वो पूरे ट्रैफिक के अंदर अखबार लेके खड़ा होता है. So that whole build-up was very important, and that one visual, when the first time he says that मैंने गांधी जी को नहीं मारा है, has to be very powerful. गांधी जी को नहीं मारा, मैंने गांधी को नहीं मारा. प्रेम चोपड़ा की कास्टिंग के बारे में बताइए. I always feel that प्रेम जी में एक बहुत there's an element of dignity in him. जब हम पहले दिन शूटिंग पे आए
तो प्रेम जी अपना सूट लेकर आए थे। मैंने कहा जी आप सूट लेके आइए, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि आपके लिए बनवा दें। तो जब उन्होंने पहला डायलॉग बोला तो व्हेन यू कम ऑन द सेट यू बेसिकली से ओके बट दीज आर माय लाइंस आई विल जस्ट स्पीक इट एंड वी वर बाय द टाइम कंप्लीटली इन द फिल्म वी वर एब्सोल्युटली वी न्यू व्हाट द ग्राफ ऑफ द फिल्म वाज। तो जब प्रेम जी ने पहला डायलॉग बोला तो जानू बरुआ ने मुझे देखा और मुझे लगा जानू बरुआ को हार्ट अटैक होने वाला है बिकॉज प्रेम जी ने अपने स्टाइल से बोला। तो फिर मैंने प्रेम जी को कहा, मैंने कहा प्रेम जी नहीं थोड़ा सा इसको थोड़ा टोन डाउन करते हैं, थोड़ा इसको रियलिस्टिक और इधर से कट करते हैं। तो मुझे कॉर्नर में ले जाके बोलते बेसिकली यू डोंट वांट प्रेम चोपड़ा इन द रोल। आई सेड नो आई डोंट वांट, आई वांट द डॉक्टर इन द रोल। कि वाइफ जो है वो उसकी बहन है, तो 50 साल उसकी शादी को हो गए थे और 25 साल तक उसको ये लगता अभी भी मतलब वो जब मैं उसको मिला तो वो ऐसे ऐसे करता रहता था। तो मुझे लगा कि ये एक चीज़ जो है मैं देन आई डेवलप्ड अ मेजर बैक शोल्डर प्रॉब्लम्स बिकॉज थ्रू आउट ऐसे रखना और अंदर से टेंशन रखना, इसके बारे में एक्टिंग के बारे में बहुत ज़्यादा खुल के बोलना में इट्स वेरी सिली बिकॉज इट्स माई जॉब टू डू इट वेल। बट द फैक्ट दैट आई वेन आई डिड सारांश आई वॉज अ नो बडी बट वेन आई डिड मैंने गांधी को नहीं मारा आई हैड दिस बर्डन ऑफ बींग अनुपम खेर सो आई नीडेड टू गेट रिड ऑफ दैट and needed to start from scratch. Mr. Kher, फिर से ये फिल्म अपनी दर्शकों के साथ देखकर आपको कैसा लगा? I think more than as an actor, I think I am very proud to be the producer of this film. I own this film. It's like owning a very, very major property of life. And many years later, this film hopefully will revive the philosophies of Gandhiji. Or a sense of togetherness and will improve relationship of father and daughter and it's also a tribute to people who in the process of life at an old age lose their memory. Mr. Kher, it's a very brave decision to make a film like this and aapne bahut hi contribute kiya hai Indian cinema ko as an actor, lekin we look forward to such more contributions as a producer as well. Thank you so much for being with us. Thank you, Mani.